हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल मिशन बोर्ड अंदर बीच में। फ्रेंड्स, आज हम वीडियो में लेकर आ गए मैथ के वीवीआई क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें और हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ जाएँ। कल आप लोगों का मैथ का एग्ज़ाम है, इसलिए आज हम मैथ का वीवीआई क्वेश्चन आप लोग को प्रोवाइड करा रहे हैं। अगर आप लोग के वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें। देखिए, जो इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं, देखिए जो फर्स्ट चैप्टर है वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम देखने वाले हैं इस वीडियो में। दो चैप्टर का देखेंगे लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। देखिए, आज का जो पहला क्वेश्चन है, दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्याएँ हो सकती है। दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्याएँ हो सकती है, इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही, अनंत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 11/15 का दशमलव प्रसार होता है। 11/15 का दशमलव प्रसार होता है, इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, अशांत। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 नंबर, निम्नांकित में कौन अपरिमेय संख्या है, इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, √2.5। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 नंबर, √2 है 1, ऑप्शन है परिमेय, अपरिमेय, प्राकृत, उनमें से सभी। यह क्वेश्चन बहुत ही आसान है, इस क्वेश्चन का आप लोग कमेंट में आंसर जाकर जरूर बताएं। देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसम यानी SCF क्या होता है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 क्रमिक सम संख्याओं का SCF क्या होता है, तो इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नांकित में कौन परिमेय संख्या है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, 2√2/√2। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाई कैसी संख्या है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, अपरिमेय संख्या, जो पाई होता है वो अपरिमेय संख्या होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही, √75/√48। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 10 नंबर, देखिए 10 नंबर क्वेश्चन है, भाज्य ए और भाजक बी के लिए a = b³+r में r के लिए कौन सा सत्य है, इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। चलिए हम नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, देखिए बहुपद यानी पोनेमियल्स। देखिए जो पोनेमियल का जो पहला क्वेश्चन है यानी बहुपद का, एक द्विघात बहुपद (QXX²-X+4) के शून्यक अल्फा बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा हम लोग जानते हैं -a/-b/a, तो यहाँ पर फॉर्मूला में भी माइनस लगा हुआ है और माइनस बी यानी तो 1/1, इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या, ऑप्शन बी ए बिल्कुल सही है, 2। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि बहुपदों के शून्यक px = x²-2x+5 के शून्यक ए और बी है, तो ए बी का मान निकालें, तो हम जानते हैं c/a होता है, तो सी का मान यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 5 और ए का मान 1 यानी 5/1 यानी इसका आंसर हो जाएगा 5, इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, 5। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 नंबर, बहुपद x²-4x+1 के मूलों का योग, तो मूलों का योग हम लोग अल्फा प्लस बीटा जानते हैं -b/a, तो -b/a यानी 4/1 हो जाएगा, इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, 4। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप, ऑप्शन सी सही है, ax³ आप लोग देख सकते हैं इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, ax³+bx²+cd+d। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 नंबर, यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद के शून्यक है यानी बहुपद है, तो दिया हुआ जो समीकरण के मूल हैं तो अल्फा प्लस बीटा, इस क्वेश्चन का आप लोग सॉल्यूशन अपने नोटबुक में जरूर कर लें और इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट फास्ट करें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 नंबर, देखिए 7 नंबर क्वेश्चन है, द्विघात बहुपद (6x²-7x-3) के शून्यक है, इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करके आंसर में कमेंट में जाकर जरूर बताएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन नंबर बी, देखिए जो क्वेश्चन है, यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद (f(x)x²+2x+3) के मूल हो, तो 1/α + 1/β का मान होगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही, 2/√2 यानी -2/3। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विघात बहुपद (x²-3) के शून्य के, ऑप्शन इसका बी सही है, -√3 होगा, 1+√3 होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 नंबर, निम्नांकित में कौन बहुपद नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन रैखिक बहुपद है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही, 2x-5।
आज का देखिए अंतिम क्वेश्चन है, यदि अल्फा और बीटा बहुपद इतना का जो समीकरण दिया हुआ है तो इसका वैल्यू आप लोगों को निकालना है। तो इसको आप आज हम एक ट्रिक बताने वाला है ऐसे क्वेश्चन के लिए, जब भी आपको पूछे वन बाई अल्फा, वन बाई अल्फा प्लस बीटा, तो हम लोग जहाँ फॉर्मूला एक होता है, तो एक ट्रिक होता है माइनस बी बटे सी, तो आप लोग माइन यहाँ पे माइनस बी कितना हो जाएगा माइनस वन, और सी के जगह पे हम लोग एक रखें तो माइनस वन। तो आप लोग इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। देखिए आप लोग से जो जो हम क्वेश्चन पूछे उस क्वेश्चन का आप लोग जवाब जल्दी दे दें कमेंट में आके, और इस वीडियो को लाइक जरूर करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें, और बोर्ड से VBI क्वेश्चन लेने के लिए इस चैनल को जुड़ जाएं, और आंसर शीट और बिहार बोर्ड की जानकारी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें।